खाद्य अधिकारी आर्यन दिवाकर इन दिनों राशन की दुकानों पर पहुंच रहे हैं और औचक निरीक्षण कर राशन की स्थिति का पता लगा रहे हैं। नीमच जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी एन.के. दिवाकर ने शहर के विभिन्न राशन दुकानों का निरीक्षण शुक्रवार को किया। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार नियमित रूप से मिलने वाले राशन के अलावा 5 किलो खाद्यान्न अलग से हितग्राहियों को दिया जा रहा है। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए सेक्टर और नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। सरकार के निर्देश है कि 7 तारीख को सभी दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन किया जाए, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को बुलाकर राशन वितरण किया जाए। अभी जो है सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना को विस्तार किया है। इसके तहत क्या है, रेगुलर जो राशन मिलता था उसके अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न पीएम योजना का निःशुल्क हितग्राहियों को उपलब्ध मिला। तो उसके लिए सभी दुकानों पर नोडल अधिकारी लगाए हुए हैं, सेक्टर अधिकारी लगाए हुए हैं। उसी के तहत हमको भी 10 दुकानें मिली थी, उनको हमने निरीक्षण किया है और राशन का वितरण नोडल अधिकारी मतलब शासन के निर्देश से अधिक से अधिक वितरण हो, इसके तहत हम लोगों ने रखा है कि जिले में 10% जो है टोटल हितग्राहियों का वितरण आज किया जाए, और उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है।